हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। बच्चों का सिर्फ जन्म देकर पालना ही नहीं होता है दोस्तों, पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है। पेरेंटिंग का मतलब होता है अपने बच्चों को एक अच्छा और सक्षम, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, उन बच्चों में ऐसे एटिकेट्स पैदा करना कि वो सोसाइटी में एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक के रूप में जीवन जी सके। इसलिए अपने बच्चों को समय रहते बचपन में ही ऐसे उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो आगे चलकर एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बन सके। अब वो क्या तरीके हैं कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, अपने बच्चों में कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाए, कैसे अदर बच्चों से अपना बच्चा एक्सपर्ट हो और बोलने में, खेलने में, कूदने में, हर जगह आपका बच्चा एक्सपर्ट हो, ऐसा क्या करें आप, उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट साझा कर रहा हूँ, आप जरूर बच्चों के साथ में साझा करें। नंबर वन, अपने बच्चे का कभी मजाक ना उड़ाएं। हो सकता है बच्चा अपने आप में अलग ही हो, अलग ही वो एटिकेट सकता हो, अलग ही गुण रखता हो दूसरे बच्चों से, लेकिन अपने बच्चे का कभी मजाक ना बनाएं। बच्चे छोटी उम्र में कभी खेल खेल में ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, आपको पता होगा, आपने भी देखी होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, वो बड़ी मेहनत से ऐसी चीज़ें बनाते हैं और वो लाके अपने मम्मी पापा को बताते हैं, देखो मैंने क्या बनाया। तो उस वक्त अपने बच्चे का आप मजाक ना उड़ाएं, उसको प्रोत्साहित करें। आप भले वो आपकी नज़र में वो चीज़ अच्छी नहीं है, भले वो आपको लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए वो बहुत ही वैल्यू रखती है वो चीज़। तो उस वक्त अपने बच्चे का मजाक नहीं उड़ाए, उसको प्रोत्साहित करेगी, यार तूने अच्छा किया, तूने अच्छी मेहनत की, और आगे और अच्छा मेहनत करना, आगे और बढ़िया करना, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। सेकंड, अपने बच्चों के दूसरों से तुलना कभी ना करना। हो सकता है कि आपका बच्चा थोड़ा पढ़ाई में डल हो सकता है कि आपका बच्चा अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा खेलने में कमज़ोर हो, हर चीज़ में कमज़ोर हो, लेकिन आपका बच्चा, हर इंसान अपने जीवन में अलग अलग एटिकेट्स, अलग अलग गुण लेके पैदा होता है। हो सकता है आपके बच्चे में अलग गुण हो और दूसरे बच्चे में अलग गुण हो, तो आप किसी एक बच्चे से दूसरे बच्चे की कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। आपका बच्चा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, उसकी तुलना आप दूसरों से न करो। आप क्या करते हो बैठे बैठे, अरे यार उसका बच्चा तो पढ़ाई में बहुत होशियार है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, अरे यार उसका बच्चा तो बहुत होशियार है, वो IPS बनना चाहता है, फिर आप क्या कहते, अरे यार मेरा बच्चा तो कुछ नहीं करता, दिन भर खेलता रहता है। तो आपके बच्चे में भी तो खेलने का गुण है, क्या पता वो खेल में कोई अच्छा करियर बना सकता हो। कभी आपने सोचा है क्या वो खेल में कभी आगे जा सकता हो, आपने कभी सोचा है? तो हर बच्चे में अलग अलग गुण होते हैं, आप अपने बच्चे को दूसरे से तुलना कभी ना करें। इस तुलना से ही, अगर आप तुलना करेंगे तो बार बार आपके बच्चे में एक हीन भावना पैदा होगी और एक बच्चे में एक अनावश्यक डर पैदा होगा। इसलिए ध्यान रखें कि अपने बच्चे की तुलना दूसरों के साथ कभी ना करें। थर्ड, हर काम में कमी ना निकालें। अपने बच्चे की हर काम में, किसी किसी पेरेंट्स की आदत होती है छोटे छोटे काम में, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने ऐसे कैसे किया, तूने वैसे कैसे किया, अरे यार बच्चा है अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, ये यही तो बच्चे की करने की उम्र है, क्या बड़े होकर करेगा, क्या कोई बड़े होकर इंसान कभी ऐसा करता है, वैसा करता है, कभी ऐसा करता है क्या? नहीं करता है, बच्चे ही तो करते हैं दोस्तों। इसलिए हर छोटी छोटी काम में, हर छोटे छोटे वर्क में बच्चे की कमी ना निकाले, बच्चों को प्रोत्साहित करें। हो सकता है कि उससे गलती हुई हो सकता है कि कुछ गलत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपका बच्चा अच्छा कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो दिन भर में उसने अच्छा कार्य किया होगा, उस अच्छे कार्य पर क्या आपने अपने बच्चे को प्रोत्साहित किया? सोचा आपने, जब उसकी कमी होती तो तुरंत उसको टोक देते हो, लेकिन जब वो कभी अच्छा करता है तो उसको आप प्रोत्साहित करते हो? नहीं करते हो, 90% पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। क्यों? गलती पे तो तुरंत उसको डांट देते हो, तुरंत उसको थप्पड़ लगा देते हो, कभी अच्छा करने पर उसको रिवार्ड दिया आपने, कभी अच्छा करने पर एक चॉकलेट भी दी उसको कि आज तूने बहुत अच्छा कार्य किया, आज मेरी तरफ से तू चॉकलेट, क्या कोई उपहार दिया उसको? यही तो छोटी छोटी आदतें हैं आप बच्चों में पैदा कर सकते हो। अगर वो आपको अच्छा करे तो छोटे छोटे गिफ्ट्स दो उसको, एक अच्छा करने को प्रोत्साहन दो कि यार तू यार अच्छा करेगा तुझे और कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखें आपके जीवन। फोर्थ, दूसरों के सामने अपने बच्चों की बुराई ना करें। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, जानबूझकर नहीं, चाय के पीने बैठे हैं, तीन चार पेरेंट्स मिल गए, कब सब में ही अपने बच्चों की बुराई कर रहे हैं और साथ में आपके बच्चे बैठे बैठे सुन रहे हैं। हो सकता है वो आपका मनोरंजन हो सकता है,
हो सकता है कि आप नॉर्मल वे में अपने बच्चे की बुराई कर रहे हो, लेकिन वो नॉर्मल वे और वो मनोरंजन बच्चों के लिए बुरा प्रभाव डालता है दोस्तों। आपके लिए वो मनोरंजन हो सकता है, लेकिन बच्चे के लिए वो मनोरंजन कभी नहीं हो सकता है। उनके लिए तो वो दुख भरी चीज ही है कि यार मेरे पापा मेरे मम्मी दूसरों के सामने मेरी बुराई कर रहे हैं। कभी सोचा है आपने, जब दूसरों के सामने आपके खुद की बुराई होती तो आपको कैसा लगता है, आपको कैसा महसूस होता है? तो यही तो सोचो कि यार मेरे बच्चे को कैसा महसूस हो रहा होगा, मैं क्यों बुराई कर रहा हूं अपना अपने बच्चों की दूसरों के सामने। जस्ट इमेजिन, अपने ऊपर लेके देखो, अपने ऊपर आपको फील होगा, और फिर आप अपने बच्चों को दूसरों के सामने कभी बुराई नहीं करेंगे। फिफ्थ, पिटाई करना। हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत मस्ती करता है, बहुत उद्दंडी हो आपका बालक, लेकिन पिटाई करो कोई बात नहीं, एक चाटा रख दो आप, लेकिन उसको वापस थोड़े टाइम प्यार बाद उसको प्यार से सहलाओ, उसको प्यार से वापस हाथ फेरो, तो उस बच्चे में एक अच्छी भावना अपने माँ बाप के प्रति पैदा होगी। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, कुछ गलती छोटी मोटी गलती उनका अच्छा पीट देते हैं और फिर वापस उससे बात ही नहीं करते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अपने बच्चों को सुधारना है, अपने बच्चों को उस लाइन पर लाना है, तो उसको पिटाई कर लो, ठीक है एक थप्पड़ रख दिया आपको, लेकिन 5-10-20 मिनट बाद उसको वापस बुलाओ, प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरो, उसको प्यार से समझाओ और उसके अपने उसको अपने गले से लगाओ। वो बच्चा, मैं आपको दावे से के साथ कह सकता हूँ, वो बच्चा आपकी बात जरूर मानेगा और दोबारा वो गलती कभी नहीं करेगा। और बच्चे हैं यार, बच्चे तो गलती करेंगे ना यार, अपन बड़े भी तो कभी कभी गलती करते थे। क्या आपको कोई पीटता है क्या? क्या आपको कोई कहता है क्या? वो बच्चा है, बच्चे को आपने पीट दिया, अरे यार हो गई उससे गलती, दोबारा नहीं करेगा, आप उसको ठीक है आप समझाओ, लेकिन उसको साथ में उसको प्यार देना भी बहुत जरूरी है। और छोटी छोटी बातों पर उसको पिटाई ना करें, उसको समझाएं, उसको प्यार से प्रेम से समझाएं। एक बच्चा, एक रिसर्च के अनुसार पता चला कि एक बच्चा पिटाई से ज़्यादा प्यार और प्रेम से ज़्यादा समझता है। इसीलिए आप ये बातें जरूर फॉलो करें, आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस जरूर आएगा और आपका बच्चा दूसरे बच्चों से जरूर ही आगे बढ़ेगा। इसी के साथ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।